जय हिंद साथियों, आज हम सभी आपके साथ मिलकर भारतीय संविधान का अगला हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पे संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन योजना के तहत, मैंने जो भारतीय संविधान बना था उसमें कैबिनेट मिशन की क्या क्या भूमिका थी, क्योंकि कैबिनेट मिशन आपके सिलेबस में है, आपके टॉपिक में है, यहाँ से आपके परीक्षा में सवाल आते हैं। और आज हम ये प्रयास करेंगे कि आप सभी साथी आपके जो परीक्षा में सवाल आने वो सभी कर लें। तो भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, इसके माध्यम की जो सीरीज है, ये सीरीज क्रमवार रूप से आपके लिए एक एक कर मेरे द्वारा आपको मिलती रहेगी निःशुल्क, देशहित में, राष्ट्रहित में, कि अब की बार एक सीट हमार। तो आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, क्योंकि हम नोट्स के माध्यम से इसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात, जहां जरूरत पड़े आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि हमने इन टॉपिकों को आपके लिए इसलिए तैयार करा है ताकि आप सेलेक्ट हो और सरकारी नौकरी का जो सपना है वो पूरा हो। और एक नागरिक का भी कर्तव्य है कि कम से कम वो अपने भारतीय संविधान को तो जान ले। इसलिए भारतीय संविधान की सीरीज में आज हम आपके सामने पुनः संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन योजना के तहत लेकर आए हैं, जहां पर आज हम लोग को पढ़ना है संविधान सभा। तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जुलाई 1946 में भारत में प्रांतीय व्यवस्थापिका द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों कि एक संविधान सभा का गठन किया गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से आपके परीक्षा में कई बार सवाल आ चुके हैं। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही जुलाई 1946 को भारत में प्रांतीय व्यवस्थापिका द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों की एक संविधान सभा का गठन हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला अधिवेशन होता है। लीग के प्रतिनिधि, लीग जो मुस्लिम लीग के, ऐसे समझेगा कि जो मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि था, प्रतिनिधिमंडल था, वो शामिल नहीं हुआ। एक तरह से मान लीजिए कि मुस्लिम लीग भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, उसमें सम्मिलित नहीं होते। अतः संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्य उपस्थित होते हैं? 210। ये मोस्ट आईएमपी सवाल है कि जो पहले दिन 9 दिसंबर 1946 को जो भारतीय संविधान सभा की बैठक होती है उसमें मुस्लिम लीग उसका बहिष्कार कर देता है, यूं समझ ले कि प्रतिनिधि उसमें शामिल नहीं होते। जिस प्रकार उपस्थित सदस्य जो हुए उनकी संख्या 210 रही। दूसरी बात, इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, और ये भारतीय संविधान के पहले अध्यक्ष थे। कौन से अध्यक्ष? अस्थायी अध्यक्ष थे। आइए और आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का गठन ब्रिटिश सम्राट के निर्देशानुसार गवर्नर जनरल के द्वारा किया जाता है। संविधान सभा का जो गठन है यह ब्रिटिश सम्राट के निर्देशानुसार गवर्नर जनरल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? गवर्नर जनरल को द्वारा किया जाता है। आइए और आगे चलकर क्रमवार रूप से पढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने पर ये सभी सीमाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। यह सीमा समाप्त हो जाती है भारतीय संविधान सभा की वैधानिक दृष्टि से और तथ्य रूप में पूर्ण स्वतंत्र और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था बन जाती। माने 15 अगस्त 1947 के बाद केवल भारत आजाद ही नहीं होता, बल्कि संपूर्ण सत्ता स्वतंत्र होती है और भारत स्वयं के लिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक राष्ट्र बनकर उभरता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होता है, जहां पे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान इसके बाद लिखा जाना शुरू होता है, प्रक्रिया चालू हो जाती है। यह था भारतीय संविधान सभा। अब हम इसके और आगे चलते हैं और ये देखते हैं आपके परीक्षा में यहां से और क्या क्या सवाल आ सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के दो राष्ट्रों में विभाजन हो जाने के कारण सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, पंजाब, असम, सिलहट, इनके जो प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रह गए थे। एक बात आपको समझना चाहिए, पश्चिम बंगाल और पूर्वी पंजाब के प्रांत में नए निर्वाचन बने कहां कहां? पश्चिमी बंगाल में और पूर्वी पंजाब में। संविधान सभा की बैठक जो पुनः 31 अक्टूबर 1947 को आहूत की गई, उसके बाद तो चलती जाती है, 11 दिसंबर को होती है, 13 दिसंबर को होती है, लेकिन अगर जो पूरी बैठक की बात करें संविधान सभा की पूरी, तो जब अगली बैठक मतलब क्रमवार रूप से 31 अक्टूबर 1947 को आहूत की गई, तो सदन में सदस्यों की संख्या अब कितनी हो जाती है? 299। यह मोस्ट आईएमपी सवाल है आपके लिए। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी 9 दिसंबर को, आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग
9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के काउंसिल चैंबर के पुस्तकालय भवन में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में हुई मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, जो मैंने ऊपर अभी आपको बताया। अब हम और आगे देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 को दो दिन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष चुने गए, और संविधान निर्माण का कार्य शुरू हो जाता। और क्या होता है, जो संविधान निर्माण का कार्य होता है वो प्रारंभ हो जाता है। और एक बात, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान बनने तक भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष रहते हैं। उसके बाद संविधान सभा द्वारा राष्ट्रपति चुने जाते हैं, फिर दो बार लगातार क्रमवार रूप से भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित भी होते हैं। बी एन राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया जाता है। भारतीय संविधान सभा में सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए एजुकेटेड पर्सन तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। दूसरे स्थान पर देखा जाए तो जो संवैधानिक सलाहकार थे वो बी एन राव थे। तो बी एन राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया। आप लोग यहां तक की सीरीज को स्क्रीनशॉट करके अपने पास सुरक्षित जरूर से रख लें। हम और आगे बात करते हैं जहां तक के परीक्षा में सवाल आते हैं, वो ये है कि सर्वप्रथम 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। ध्यान दीजिएगा, 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसे क्या किया, पेश किया, जिस पर 13 से 19 दिसंबर तक माने लगभग 6 दिनों तक विचार विमर्श होता रहा, बात विवाद होता रहा। और फिर 22 जनवरी 1947 को पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे आगे चलकर भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाने लगा, प्रस्तावना उद्देशिका को स्वीकार कर लिया जाता है। संविधान की जो प्रारूप समिति ने 17 मार्च 1947 को संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में एक प्रश्न सूची विभिन्न प्रांतीय विधान मंडलों तथा केंद्रीय विधान मंडल के सदस्यों के पास प्रस्तावित संविधान के संबंध में अनेक विचारों को जानने के लिए भेजा। इसी के साथ संविधान सभा के सदस्यों को विश्व में विभिन्न संविधान के पूर्ण दृष्टांतों भी प्रदान किए गए। मतलब यहीं से क्या होगा, जो विश्व के बड़े बड़े देश थे उनके संविधान का अध्ययन किया गया। अध्ययन करने के बाद क्या ऐसा भारत में जरूरी जो भारतीय संविधान ने सम्मिलित करना था, जो भारतीय संविधान में उसे सम्मिलित करने का कारण बना कि पूरी संविधान या कुछ हिस्सा, उन सभी के बारे में यहां से क्या किया गया, केंद्रीय विधानमंडल सदस्य के पास संविधान के संबंध में विचारों को जानने के लिए भेजा गया। और साथ साथ संविधान सभा के सदस्य को पूरे विश्व में विभिन्न संविधान के पूर्व दृष्टांतों को भी प्रदान किया गया। तो यहाँ की जो टॉपिक थी, जो आज टॉपिक थी, जो छोटा सा टॉपिक जो हम लोगों ने भी पढ़ना शुरू किया कि कैबिनेट मिशन 1946, तो एक सवाल पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन 1946 के तहत एक आंतरिक सरकार बनी थी, अंतरिम सरकार। तो हम एक छोटा सा वीडियो लेक्चर लेकर जब आएंगे तो उसमें जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें किसे कौन कौन से पद मिले थे उसकी भी जिक्र हम आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से कर लेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा क्योंकि इसके बाद जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो अगला टॉपिक होगा, संविधान, भारतीय संविधान माने जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया है वो इसके बाद की सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे। आज की सीरीज में बस इतना ही। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। साथ ही ये वीडियो फेसबुक, यूट्यूब, इलेनी भी दुर्गेश के ऐप पे चाहे जहां भी देख रहे हैं, ये मेरे द्वारा निशुल्क आप सभी के लिए देश हित में राष्ट्र हित में उपलब्ध कराया गया है। आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने साथी मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा और टेलीग्राम पर इसकी जो नोट्स है वो आप चाहें तो टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप दुर्गेश सर्च करेंगे, बिना स्पेस दिए इलेनी भी दुर्गेश आएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ज्वाइन करेंगे आपको सारी क्लास नोट्स नोटिफिकेशन सब कुछ आपको क्रमवार रूप से मिल जाएगा। फेसबुक पेज इलेनी भी दुर्गेश को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक करके रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू आप सभी का। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। शेयर कर दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी। इसके बाद अगले पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं
भारतीय संविधान सभा, मतलब निर्माण प्रक्रिया कैसे प्रारंभ होती, मैंने आप संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया थी उस पर हम लोग ध्यान आकर्षित करेंगे, उस टॉपिक को, उस तथ्य को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि अब की बार एक सीट हमारे